क्या आपका भी सपना है कि आपका यूरोपियन आर्किटेक्चर वाला घर हो? अगर हाँ, देन ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सोनम। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल लाइफ साइट विजिट में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग वीडियो है, क्योंकि मैं आप लेकर आई हूँ एक ऐसी सोसाइटी जो वाकई यूरोपियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंबिका फ्लोरेंस पार्क। एंड इसका जो नाम है फ्लोरेंस पार्क इज एक्चुअली अ प्लेस, अ सिटी इन इटली। जो फ्लोरेंस की बात हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं ही अमेजिंग है। बट सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो ये लोकेटेड है हमारे एयरपोर्ट रोड पर। एंड यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं दक्षिण एंड मध्य मार्ग को ये कनेक्ट करती है। तो गाइस, ये तो बात थी लोकेशन की। अब अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, तो ये कम्प्लीटली गेटेड सोसाइटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट्स बने हैं, ड्यूल एंट्री इसकी रहने वाली है। तो गाइस, आप देख सकते हैं गार्ड्स यहाँ पे तैनात रहते हैं 24 घंटे, साथ साथ CCTV कैमराज आपके लगे हैं। एंड यहाँ पे बूम बैरिगेड भी लगा है। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये बनाया है। तो चलिए, आपके साथ साथ मैं भी सोसाइटी को देख रही हूँ। आप देख सकते हैं ग्रीन एरिया कितना ज़्यादा मेंटेन्ड है, और बहुत ही यूनिक स्टाइल में इसको मेंटेन किया गया है। लाइट्स आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है, रात को ये बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा ग्रीन एरिया बनाया है। यहाँ पर बच्चे आके खेल सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं। आई एम श्योर वन हेल ऑफ एन अमेजिंग 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 सोसाइटी इट इज़। चलिए आगे देखते हैं एंड चेकआउट करते हैं। तो गाइज, चलिए जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, मैं आपको बता दूँ कि ये जो सोसाइटी है ये अप्रॉक्सीमेटली 10.5 acres की सोसाइटी है। एंड यहाँ पर आपको 9 towers मिलेंगे। कुछ टावर्स है जो G+15 के स्ट्रक्चर में है, एंड कुछ टावर्स है जो G+18 के स्ट्रक्चर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गेस्ट पार्किंग ये पूरी दिखाई दे रही होगी। एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गेस्ट पार्किंग है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी सारे व्हीकल्स यहाँ पार्क हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख सकते हैं सामने ही यहाँ पर आ जाता है हमारा क्लब हाउस। एंड ये क्लब हाउस ऑपरेशनल है गाइस। यहाँ पर जिम, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट, स्पा, सब कुछ अवेलेबल है। तो जाइए एंड आएंगे आप यहाँ पे तो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे, अगर आप यहाँ के रेसिडेंट बनते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। जैसे कि कहा जाता है कि हर लाइफ को लग्जरी पसंद है। जी हाँ, हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ लग्जूरियस हो। तो अगर आप अंबिका फ्लोरेंस के रेसिडेंट होते हैं, आपकी लाइफ कम्प्लीटली लग्जूरियस होने वाली है। ये देखिए, आप जो क्लब हाउस है ऑपरेशनल, जैसे कि मैंने बताया था, हो चुका है। एंड जो भी एक लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए चाहिए होता है, स्विमिंग पूल हो गया है, बैंक्वेट हो गया, जिम हो गया, स्पा हो गया, एनीथिंग यू वॉन्ट यू मैंशन एंड इट्स हेयर। नाउ डैट इज़ अमेजिंग एंड एक्चुअल लग्जरी। जहाँ हम जा रहे हैं ये है बेसमेंट, एंड यहाँ पर आप बेसमेंट पार्किंग है आपके रेसिडेंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सुंदर सा एरिया इन्होंने बनाया है, दिस इज़ जिम, ओपन जिम है ये। आप देख सकते हैं कि सारी जिम मशीन्स यहाँ लगी हैं एंड बहुत ही सुंदर लग रही है। मुझे तो जिम की लुक ही इतनी प्यारी लग रही है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं ऑरेंज एंड ब्लैक है, जो अपने आप में बहुत सुंदर लग रहा है। एंड जिसको आगे कोई जिम की मेम्बरशिप नहीं लेनी है, वो यहाँ पर आके आराम से जिमिंग कर सकते हैं, सर्दियों में खास करके।
इट्स एन अमेजिंग व्यू फ्रॉम हियर एंड काफ़ी यहाँ पे फ्रेशनेस मुझे लग रही है बिकॉज हर जगह पे ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं. दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग जो कि आप देख सकते हैं. तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक जिस पे मैं चल रही हूँ, इट इज़ अ जॉगिंग ट्रैक. आपको जॉगिंग करने का मन है सुबह सुबह, देन दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग फॉर यू. यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटिंग्स बहुत सुंदर लगी है. अगेन ये रात को बहुत ही सुंदर लगेगी. आप ये देख सकते हैं बच्चों के लिए प्ले एरिया है, तो बच्चों से लेकर बड़ों का हर किसी का ध्यान यहाँ रखा गया है. अगर बच्चों के लिए इन्होंने प्ले एरिया बनाया है तो बड़ों के लिए सिटआउट्स बनाए हैं, गजीबोज बनाए हैं. यहाँ पर बड़े आ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो गाइस चलिए एक नज़र यहाँ पर भी डालते हैं. आप देख सकते हैं ये है क्लब हाउस एंड यहाँ से भी क्लब हाउस की एंट्री है. सिटआउट्स तो जगह जगह पर बनाए गए, देख सकते हैं कितने सारे गजीबोज हैं यहाँ पे. एंड पूल आप हमारे सामने देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एंड क्लियर वाटर पूल है यहाँ पे एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ऑफकोर्स आप इसको यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी एक प्ले एरिया बच्चों के लिए बनाया गया है. सैंड ड्यून्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, सैंड ड्यून्स है, बच्चे सैंड कैसल वगैरह कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे. एंड प्ले एरिया का आप कलर्स देख सकते हैं, जो बच्चों को कलर्स पसंद आते हैं, येलो, रेड, पर्पल, ग्रीन, बहुत ही अमेजिंग कलर्स हैं एंड बहुत ही यूनिक से झूले यहाँ पर लगे. आई एम श्योर किड्स लव दिस एरिया. तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था सीसीटीवी कैमरा जगह जगह पर लगाए गए हैं आपके सिक्योरिटी के लिए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा है. इट इज़ फॉर योर सिक्योरिटी एंड फॉर योर सेफ्टी. ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जगह जगह पर सेटआउट जैसे कि मैंने कहा था लगाए हैं, गजीबोज जैसे कि मैंने कहा लगाए हैं. तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया है यहाँ पे. और ग्रीनरी की मैं बात करूँ, आई कैन फील फ्रेशनेस फ्रॉम हियर. वाकई बहुत ही फ्रेश एयर है एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे, मैं कहूँगी. बिकॉज आप देख सकते हैं ग्रीनरी बहुत मेंटेन्ड है. हर कोई पहाड़ों पे निकल जाता है जब उनको ग्रीनरी चाहिए होती है, ठंडा ठंडा मौसम चाहिए होता है, लेकिन जहाँ पे प्लांट्स हैं वहाँ पे दिल है, वो कहा जाता है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, ग्रीन एरियाज बहुत ज़्यादा है. तो मतलब ओवरऑल यहाँ रहने में जो रहेगा उसको बहुत मज़ा आने वाला है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो गाइस आप देख सकते हो पार्क्स यहाँ पे जगह जगह पर बनाए गए हैं. ये वाला जो पार्क है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, आराम से बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो, खेलना चाहे तो. खेलने के लिए जैसे कहते हैं रिक्रिएशन इज़ वेरी गुड एंड खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब. तो जल्दी से यहाँ पे आइए, रहिए एंड बच्चे यहाँ पे खूब सारा खेल सकते हैं, खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं. गजीबोज बन सके ना, आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिवाली की लाइटिंग्स यहाँ पे लगी है एंड वाकई हर चीज़ को बहुत अमेजिंग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते सोसाइटी में और क्या है. एंड ओ माय गॉड, मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है. तो जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पर है आपके लिए बास्केटबॉल कोर्ट. जी हाँ, अगर आप बास्केटबॉल खेलने का शौक़ रखते हैं, आप चाहते हैं बच्चों को बास्केटबॉल सिखाया जाए, सो दिस इज एन अमेजिंग एरिया बास्केटबॉल खेलने के लिए. एंड यू विल हैव द एक्सेस टू इट इफ़ यू आर अ रेसिडेंट. नाउ इज इट अमेजिंग? जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग स्पॉट्स है जिससे आपके बच्चों के लिए कम्प्लीट ग्रोथ जिसे कहते हैं रिक्रिएशन से होती है. सो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बास्केटबॉल हो गया, बड़े बड़े ग्राउंड्स हो गया फॉर क्रिकेट या फिर प्लेयर हो गया. तो बच्चों की कंप्लीट डेवलपमेंट का ध्यान रखा गया है इस सोसाइटी में. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे एक्चुअल फ्लैट की एंट्रेंस की तरफ. तो टावर आपको दिखाएंगे. जैसे आप देख सकते हैं ये आ गया है ऑर्चिड बी टावर. दिस इज द टावर जहाँ पर हम आपको शोकेस करेंगे आज का हमारा 4+1 BHK वाला ड्यूप्लेक्स फ्लैट. सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारी टार्क की एंट्रेंस की तरफ और आप देख सकते हैं ये है ऑर्चिड बी जिसका स्ट्रक्चर रहेगा G+18 का. एंड आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस ये है, बहुत ही ग्रैंड और लाविश एंट्रेंस इन्होंने बनाई है. आप देख सकते हैं पूरे ग्लास वर्क किया है डोर्स पर, बहुत ही सुंदर लग रहा है जो. एंड प्रीमियम क्वालिटी की फ्लोरिंग की गई है एंड यहाँ पे इन्होंने फ्लावर्स लगाए हैं जो ताकि ग्रीनरी मेंटेन रहे. अंदर आके देखते हैं तो ये डबल हाइटेड लॉबी रहने वाली है आपकी. एंड शैंडलियर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है. ये आपका वेटिंग लाउंज रहने वाला है, यहाँ पर अपने गेस्ट से मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं. यहाँ पे एक रिसेप्शन डेस्क रहेगी एंड हमारे गार्ड हमेशा यहाँ पे रहने वाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे रहने वाला है आपका एंट्रेंस. तो आप देख सकते हैं एलिवेटर्स यहाँ पर है आपके फ्लोर तक पहुँचने के लिए. 3 एलिवेटर्स आर प्रोवाइडेड, स्टेयरकेस आर प्रोवाइडेड.
तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हमारे एक्चुअल फ्लैट की एंट्रेंस की तरफ एंड आप देख सकते हैं कि आपको एक 8 feet का वुडन डोर प्रोवाइडेड है, अमेजिंग सा नॉर्मल लॉक इन की सिस्टम है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इस फ्लैट का एरिया रहने वाला है 3700 square feet। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। सो गाइज एंटर हो गया हम हमारे ड्यूप्लेक्स फ्लैट में एंड आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है ये। जस्ट हैव अ लुक, इट्स ब्यूटिफुल एंड आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, नेचुरल लाइटिंग के लिए यू हैव दिस बिग डोर, UPVC विंडो एंड ग्लास डोर एंड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। आराम से यहाँ 6 to 7 seater सोफा लग सकता है। जस्ट हैव अ लुक, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है ये। यहाँ पे भी आपको एक विंडो प्रोवाइडेड है, वेरी स्पेशियस, वेरी क्लीन एंड अमेजिंग। यहाँ पर आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम आपकी प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए, ताकि आपके जो भी गेस्ट हैं जिनको आप बेडरूम तक नहीं लेके जाना चाहते वो ये वाला वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं एंड इट्स अमेजिंग। एक पाउडर रूम भी इसे कह सकते हैं, इट्स ब्यूटिफुल। आपको यहाँ पे फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिल रही है, एंटीस्किड टाइल्स है एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे यहीं से आ जाता है फर्स्ट बेडरूम की तरफ। कम ऑन, ओके सो आ गए हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। आप देख सकते हैं नेचुरल लाइटिंग कितनी ज़्यादा है गाइज। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पूरी विंडो प्रोवाइडेड इज फॉर नेचुरल लाइटिंग, अभी लाइट ऑन नहीं है एंड फिर भी काफ़ी रोशनी है रूम में। चलिए बाहर चल के देखते हैं। तो यहाँ आ जाती है आपकी छोटी सी बालकनी, यहाँ पे आप आराम से अपने कपड़े सुखा सकते हैं, टेबल चेयर लगा सकते हैं, बीन बैग लगा सकते हैं एंड यू कैन जस्ट इन्जॉय द वेदर, खासकर सर्दियों में धूप सेकने के लिए बहुत ही अमेजिंग एरिया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के वॉशरूम की तरफ। कम ऑन, सो गाइस ये है फर्स्ट बेडरूम का वॉशरूम एंड आप देख सकते हैं वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एंड जस्ट लुक एट द टाइल वर्क, काफ़ी क्लासी एंड यूनिक टाइल वर्क इन्होंने किया है। फुल लेंथ वॉल टाइल्स है एंड एंटीस्किड टाइल्स है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने सिंक तैयार किया है, इट्स वेरी डिफरेंट जो वॉश बेसिन है, इट्स वेरी यूनिक इन इट्स सेल्फ एंड वेंटिलेशन के लिए आपके पास विंडो भी है एंड सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको मिलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स आर लिविंग रूम अगेन एंड लिविंग रूम से आ जाते हैं हमारे डाइनिंग स्पेस की तरफ। ये जो पूरा एरिया है इट्स ह्यूज एंड आप इसको अपना डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस एरिया, यहाँ पे आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सा शैंडलियर लगा सकते हैं, इट विल लुक ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग आइडियाज़ मेरे से आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है किचन के एंट्रेंस। उससे पहले ये जो एरिया है इट्स एन अमेजिंग यूटिलिटी एरिया। आप यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं छोटा सा, आप यहाँ पे क्रॉकरी पैनल बना सकते हैं, रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे भी आप करना चाहे। अमेजिंग से प्लेस को यूटिलाइज कीजिए, अपने घर को अमेजिंग तरीके से डेकोरेट कीजिए। एंटर करते हैं हमारे किचन में, वेरी डिसेंट एंड वेरी स्पेशियस किचन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डुअल सिंक मिल रहा है विद रोटेटिंग फॉसेट एंड पूरा हाइड्रोलिक क्लोजर है, जस्ट हैव अ लुक। एंड आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं एंड यहीं से आ जाती है आपकी किचन की बालकनी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है बालकनी, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया भी तैयार कर सकते हैं इस बालकनी से एंड यहाँ पर गाइस इसी से अटैच रहेगा आपका सर्वेंट रूम एंड सर्वेंट रूम की जो एंट्री रहेगी एक किचन की तरफ से एंड एक बाहर से, ताकि आपके घर की प्राइवेसी मेंटेन रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्लोर की तरफ। कम ऑन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मार्बल वर्क किया गया है यहाँ पे एंड आयरन ग्रिलिंग की है एंड ऊपर किया गया है वुडन वर्क विच इज़ अमेजिंग एंड अपने आप में ही बहुत ही क्लासी लुक दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आगे हमारे ड्यूप्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर की तरफ एंड आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया आप इसको बहुत अमेजिंग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं, अपनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स लगा सकते हैं, कैसे भी बहुत अमेजिंग आइडिया है ये। अंदर चलते हैं हमारे इस फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। काफ़ी डिसेंट स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नेचुरल लाइटिंग है, यू कैन हैव अ लुक। यहाँ पर भी आपको एक बालकनी प्रोवाइड की जा रही है विच इज़ ब्यूटिफुल इन इटसेल्फ। इस रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, सॉकेट लगे आराम से अपना बेड के साथ सॉकेट लगा सकते हैं, TV लगा सकते हैं, इन्जॉय फैमिली टाइम विद योर फैमिली। यहाँ पर आ जाइए,
तो यहाँ पर आपका वॉक इन क्लोजेट आप बना सकते हैं। आप स्लाइडिंग वार्डरोब्स लगाएंगे तो आपकी स्पेस कम कंज्यूम होगी, एंड यहाँ पर आप ड्रेसिंग लगा सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी योर अमेजिंग पर्सनल वॉक इन क्लोजेट, जस्ट लाइक अ ड्रीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाता है हमारा ऑन स्वीट वॉशरूम, एंड जस्ट हैव अ लुक, इट्स ब्यूटिफुल। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये, बहुत डिसेंट स्पेस है यहाँ पे। फुल लेंथ वॉल टाइल्स है, एंटीस के टाइल्स है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एंड ब्रांडेड फिटिंग्स है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर मास्टर बेडरूम। सो कम ऑन, घर का मास्टर पीस, मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं किंग साइज बेड लगे होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आराम से यहाँ काउच लगा सकते हैं, एंड यहाँ पर आपको ये फैन भी प्रोवाइडेड है। आप देख सकते हैं बेड के साथ ही आपकी सॉकेट है फॉर योर ईज। यहाँ पर आराम से टीवी लगा सकते हैं, कैसे भी इस अमेजिंग से स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेचुरल लाइटिंग आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, एंड बहुत ही बड़ी सी आपको विंडो प्रोवाइडेड है, ग्लास डोर प्रोवाइडेड है, जिससे नेचुरल लाइटिंग बनी रहती है हमेशा। तो बाहर चल के देखते हैं, हाउ इज इट, कम ऑन। तो गाइस, ये आ जाती है आपकी बालकनी आपके मास्टर बेडरूम के साथ, एंड जस्ट आई मस्ट से इट्स अमेजिंग। मतलब बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ पे, आपको खेलते हुए बच्चे दिखेंगे, सब कुछ बहुत ही प्यारा होने वाला है यहाँ पे। व्यू बहुत प्यारा है, ग्रीनरी मेंटेन है यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे टेबल चेयर लगा सकते हो, एक छोटी सी पर्सनल डेट तैयार कर सकते हो, एंड झूला लगा सकते हो, एनी थिंग। इट्स अमेजिंग, इट्स एन अमेजिंग स्पेस टू बी यूटिलाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स वॉक इन टू द वॉक इन क्लोजेट। सो हियर इट इज़ योर वॉक इन क्लोजेट। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है यहाँ पे, आपको वार्डरोब्स भी प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, एंड जस्ट हैव अ लुक, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ये वार्डरोब है। ऑर्गेनाइज तरीके से अपना सारा सामान आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर एक ड्रेसिंग लगा सकते हैं, बड़ा सा मिरर लगा सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी वन हेल ऑफ ड्रीम वॉक इन क्लोजेट। एंड यहाँ आ जाता है आपका वॉशरूम, एंड आप देख सकते हैं कि मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, तो इट्स गोइंग टू बी अ मास्टरपीस। आप देख सकते हैं सिंक, ये जो इन्होंने वॉश बेसिन बनाया है बहुत ही यूनिक स्टाइल में है, इट्स वेरी डिफरेंट। वॉल टाइल वर्क देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही यूनिक है, अपने आप में बहुत एलिगेंट है, एंड जस्ट यू हैव अ लुक। ये है आपका फुल लेंथ वॉल टाइल्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पर आ जाता है आपका एंटीस की टाइल्स, तो कि आपको फिसलने में प्रॉब्लम ना हो, एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी, एंड ब्रांडेड फिटिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं इस प्यारे से घर को, एंड आप देख सकते हो ये पूरी वॉल आपके लिए है। मतलब इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे डेकोरेट करना चाहते हो। इफ़ यू लव डेकोरेटिंग योर होम, देन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। तो ये जो स्पेस है, आप इसे फैमिली लाउंज बना सकते हैं, यहाँ पर आराम से सोफ़ा लगा सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय विद फैमिली मूवीज, पॉपकॉर्न्स, एनीथिंग यू वांट। दिस इज एन अमेजिंग स्पेस टू क्रिएट एज अ फैमिली लाउंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम इस फ्लोर का, तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है, एंड नेचुरल लाइटिंग आपको हर रूम में यहाँ पे दी जा रही है। कोई भी ऐसा रूम नहीं है जहाँ पे आपको एक बालकनी ना प्रोवाइडेड हो ना। दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग थिंग्स जो इस घर की मुझे लगी है, एंड आप देख सकते हैं बेड के साथ ही आपके सॉकेट्स रहने वाले हैं, एंड हर चीज़ जिसकी ज़रूरत है प्रोवाइडेड है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स वॉक इन टूवर्ड्स द वॉक इन क्लोजेट। यहाँ पे आराम से अपनी वार्डरोब बनवा सकते हैं, यू हैव एम्पल स्पेस, ड्रेसिंग लगवा सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर आ जाता है आपका वॉशरूम, एंड हैव अ लुक, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ही डिसेंट टाइल वर्क है, फुल लेंथ है वॉल टाइल्स, एंटी स्किड टाइल्स है, ब्रांडेड फिटिंग्स है, एंड वेंटिलेशन के लिए अगेन विंडो भी है। चलिए आगे चलते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर एक और अमेजिंग चीज़ है कि आपकी फर्स्ट फ्लोर से भी घर की एंट्री रहने वाली है। सो अगर आप ये प्लेस ऊपर वाला फ्लोर रेंट आउट करने का सोच रहे हैं, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन रहने वाला है। नाउ दिस इज़ वन हेल ऑफ एन अमेजिंग प्लेस, आई लव्ड इट, बहुत ही अमेजिंग ये प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, एंड क्वालिटी वर्क एंड प्रीमियम क्वालिटी वर्क यहाँ किया गया है। तो आपको कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो, ऑल्सो डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल लाइफ साइट विजिट। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्तों नाम, आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।